जनता पार्टी में राजनीतिक शख्सियतें ज्वाइन कर रही हैं, लेकिन आज एक अलग तरीके की शख्सियत भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रही हैं। वह राजनीति में पहले से नहीं है, लेकिन वो आपके व्यवसाय से जुड़े हैं, पत्रकारिता से, और हम लोग निशिकांत सिंह सापम जी का स्वागत करते हैं। निशिकांत जी मणिपुर के बहुत ही जाने पहचाने नाम हैं, वहाँ के संगाई एक्सप्रेस के पब्लिशर हैं, जो वहाँ सबसे ज़्यादा बिकने वाला समाचार पत्र है। आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी हम लोगों के मध्य हैं। मेरा माननीय जेटली जी से आग्रह है कि श्री सापम जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची वे उनका स्वागत करें पार्टी में। मेरा माननीय जेटली जी से आग्रह है कि इस अवसर पर अपना उद्बोधन करें। मित्रों, पिछले कई वर्षों में नॉर्थ ईस्ट और पूर्व हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। सरकार में भी हमें वहाँ विकास कार्य करने का मौका मिला और काफ़ी क्षेत्रों में वहाँ इंसर्जेंसी से मुक्ति प्राप्त करना, सामान्य जनजीवन देना, ताकि जिस प्रकार से विकास का लाभ देश में सभी मुख्यधारा के लोगों को होता है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उससे अधिक मिल पाए। अधिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डिस्टेंस की दृष्टि से वो थोड़ा दूर हैं और कई बार दूरी अपने आप में आर्थिक दृष्टि से एक बोझ बन जाती है। हमें आज हर्ष है कि नॉर्थ ईस्ट के प्रायः सब लगभग सभी प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी या उस द्वारा समर्थित दलों की सरकारें हैं, और नॉर्थ ईस्ट के लोगों में भी कई बार जो पुराना भ्रम था किसी भी धर्म के हों वो भी टूटा है, और भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपना विश्वास प्रकट किया है। मणिपुर के श्री निशिकांत सिंह जी आज तक प्रत्यक्ष राजनीति में नहीं थे, लेकिन वहाँ के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से एक हैं। मणिपुरी और अंग्रेजी में वहां का जो सबसे बड़ा समाचार पत्र छपता है, सांगाई एक्सप्रेस, उसमें एच नहीं है, तो इसको शंघाई शहर के साथ कोई उस नाम को स्पेलिंग की वजह से गलती ना करें, SAN संघाई एक्सप्रेस, उसके पब्लिशर हैं, उसके मालिक हैं, और वहाँ पे जनमत बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका स्वागत करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि उनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी को बहुत बड़ा बल मिलेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है पार्टी में। मैं निशिकांत सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना उद्बोधन करें। श्री जेटली जी और सब यहाँ बैठे हुए हैं और फ्रेंड्स ऑफ द मीडिया, आई हैव बीन वेरी एनकरेज्ड बाय द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड ऑफ कोर्स द बीजेपी हैज़ बीन डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क इन द नॉर्थ ईस्ट। For years, when I was a little kid, we had dreamt of having the railway station, and the work never took off.
And now I see it happening, and in probably in a couple of years, it's going to be there. And I see a lot of inclusive growth for the first time in the Northeast since the BJP has come into power. And I feel that the Northeast feels connected, and every person living in the remotest of places in the Northeast, especially Manipur, we feel a sense of pride to be very much included in the development policies of the BJP under the able Prime Minister Mr. Narendra Modi. And that's how I've been lured, and I am very happy to be a part of the BJP, and I am absolutely honored.